राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में लगातार सातवें दिन के बाद आठवें दिन भी क्रमिक अनशन जारी। छात्रों ने सुबह क्रमिक अनशन को जारी रखते हुए शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करी। छात्र संघ अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने बताया, काफ़ी संख्या में छात्र अनशन स्थल पर एकत्रित होकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद करके शिक्षा मंत्री और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। फिर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन के रूप में प्राचार्य कक्ष में जाकर प्राचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री और प्रशासन तक पहुंचाई। वहां हंगामा करते हुए चेतावनी दी कि अगर महाविद्यालय और छात्रों को बीकॉम प्रथम वर्ष की प्रथम सूची जारी होने से पूर्व छात्रों की मांगें पूरी नहीं करता और छात्र प्राचार्य की सौगात नहीं दी गई तो छात्रों के साथ मिलकर बिना चेतावनी के आमरण अनशन शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री आए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री आया, शिक्षा मंत्री आया, जो सरकार बदली है, जो सरकार बदली है, शिक्षा मंत्री चोर है, चोर है, चोर है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद।